प्रणाम सुंदर शाह जी, पिछले वीडियो में हमने श्री राज ग्रंथ के प्रकरण 47 की प्रथम 10 चौपाइयों का पाठ किया। आज हम आगे की चौपाइयों का पाठ करेंगे। सुंदर शाह जी, जिन्होंने हमारे ये चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ इस चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाले सारे वीडियोस का नोटिफिकेशंस आपको तुरंत मिल जाए। और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हैं, उन सब सुंदर साथ को हमारा ये वीडियो शेयर अवश्य करें, ताकि उन सबको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। व्रह तमने दोहेलो लाग्यो, मुने ते थी जोर, मुख करमाणा नवसहूं, तो केम करावूं बकोर। वह वियोग तुम्हें जितना असह्य लगा, मेरे लिए तो इससे भी अधिक कष्टदायी हो गया। जब मैं तुम्हारे मिलन चेहरा देख ही नहीं सकता, तो फिर तुम्हें विलाप कैसे करवा सकता हूँ। जेम कहो ते मां करूं रे सखियो, बांध्या जीव जीवन, अदखिण अलगो न थाऊं, करार करो तमे मान। हे सखियो, तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूँगा। मेरी आत्मा तो तुम्हारी आत्मा से जुड़ी हुई है, इसीलिए आधे क्षण के लिए भी मैं तुमसे अलग नहीं होऊंगा। तुम अपने मन में धैर्य धारण करो। ए बड़ा दुख ते का करो, हूँ दऊ एम के मछेह, तमे मारा प्राण ना प्रीतम, बांध्या मोल स्नेह। तुम इतनी अधिक दुखी क्यों होती हो, मैं तुम्हें वियोग क्यों दूंगा। तुम तो मुझे प्राणों से भी अधिक प्यारी हो, अपना स्नेह तो मूल परम धाम से ही बंधा हुआ है। प्राण पे वल्लभ छो मुने, एम करूं हूं केम, मैं वृंदावन मुक्यो नथी, तमे का कहो मुने एम। तुम तो मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हो, तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों करूंगा। मैंने तो वृंदावन छोड़ा ही नहीं है, तो फिर तुम मुझे इस प्रकार क्यों कह रही हो। ईत ऊपर चालू रे सखियों, तमे मारा जीवन, जेम कहो तेम करू रे सुंदरी, का दुख आनो मन। हे सखियो, मैं तुम्हारी इच्छा अनुसार ही चलूंगा, तुम मेरे प्राणों के जीवन हो। हे सुंदरी, तुम जैसे कहोगी मैं वैसे ही करूंगा। तुम अपने मन में दुख का अनुभव क्यों कर रही हो। आत्मना आधार छो मारा, जीव सो जीव स्नेह, करू बात जीवन सखी, मुख माहे थी कहो जे ह। तुम सभी मेरी आत्मा के आधार रूप हो, आत्मा का संबंध आत्मा के साथ ही लगा हुआ है, इसीलिए मेरे जीवन आधार सखी, मैं वही बात करूंगा जो तुम मुझे अपने मुख से कहोगी। मेता एम न जानियू रे वाला, कर सो एम निघात, ना हो जी हूँ तो नेह जानती, आपन मूल संघात। सखिया कहती हैं, हे प्रियतम, हम लोगों ने तो ऐसा समझा ही नहीं था कि आप हमें ऐसा कठोर दुख भी देंगे। हे प्रियतम, हम तो मात्र एक प्रेम को ही जानती थी, वही हमारा मूल संबंध है। एम आखड़ी न चढ़ाविए तेने, जे होय पोताना तन, जानिए मेलो नथी जन्मनो, उथले रास वचन। इंद्रावती कहती है, हे प्रियतम, यदि हम आपसे अभिन्न हैं तो आपको हम पर इतना क्रोध नहीं करना चाहिए।
उथले वचन सुनने से ऐसा लगा मानो जन्म से ही हमारा और आपका कोई संबंध ही न हो। अमें तूने जो पे जानियो बीजो न जाने कोई जन, अमसु छेड़ा छोड़ी ने उभो जानिए ने हनिसन। उस समय हमने आपको अच्छी तरह परखा था, दूसरा कोई होता तो आपकी पहचान कर भी नहीं पाता। आप तो सबसे संबंध तोड़कर दूर रह गए। हम यह जानती थी कि प्रियतम का प्रेम बालकों की भांति निष्कपट है। सांभलो सखियो बात कहूँ, मैं जोयो माया नो पाश, केम रमाय राम तरेणी मन उछरंगे राश। प्रियतम कहते हैं, हे सखियो सुनो, मैं अपनी बात करता हूँ। उस समय तुम्हारे हृदय में माया का बंधन है या नहीं, उसी की मैं परीक्षा ली थी। यदि ऐसा नहीं किया होता तो पूर्ण उत्साह और आनंद के साथ राज की रामत कैसे खेली जाती। प्रणाम जी।